चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाते हुए द उधमपुर रोटरी आई एंड जनरल वेलफेयर फाउंडेशन रोटरी क्लब उधमपुर व KLSM रोटरी आई एंड ENT हॉस्पिटल उधमपुर की ओर से फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इन संस्थानों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इसरो की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिससे पूरे भारत के लोग आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस खुशी में लगाए गए फ्री चेकअप कैंप में डॉक्टर अंकुर गोयल, डॉक्टर सुमेरु रैना, डॉक्टर शरिका गंजू व डॉक्टर अभिषेक पाधा की टीम ने 240 लोगों की आंखों की जांच की। इसके अलावा ENT के डॉक्टर कनव वाइग्रा ने 40 मरीजों की जांच की और डेंटल के डॉक्टर अनुगुप्ता व डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर ने 10 मरीजों के दांतों की जाँच की। इस मौके पर सभी लोगों व स्टाफ सदस्यों में हलवे का प्रसाद भी बांटा गया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल RTN DN शर्मा, चेयरमैन व RTN कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब उधमपुर RTN कर्नल हरगोविंद सिंह के अलावा RTN राजेंद्र सैनसन, RTN राजीव गुप्ता, RTN पूरनलाल शर्मा, RTN DN बाखरी, RTN SS केनी और रोटरी हॉस्पिटल के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। हमारे चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग थी, सॉफ्ट लैंडिंग का दिन था 27th, जो शाम को 6:04 पर होनी थी। हमने 5 बजे देखना शुरू कर दिया था, तो हम उस पूरे मूवमेंट को देख रहे थे, साइंटिस्ट को देख रहे थे, वो लोग कितने टेंस थे। हम तो टेंस थे ही, लेकिन जिनका स्टेज पर था सारा मेहनत, जिन्होंने जो मेहनत की थी 5 साल से इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए लगे थे, तो उनके चेहरे पर इतनी टेंशन थी। तो जो ही ये चंद्रयान 3 का वो वक्त आया जब उसको लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग, उन्हें ऐसे सेलिब्रेट किया, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी जो थे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी देख रहे थे, वो भी टेंस थे। जो ही लैंडिंग हुई, उन्होंने हाथ में भारत का झंडा लहराया, तो हमें बहुत ही खुशी मिली उससे। हमारे साइंटिस्ट सभी खड़े होकर डांस करने लगे, नाचने लगे, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी हमारे लिए कि हमारा मुल्क एक पहला मुल्क बन गया, पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पर लैंड किया है। इससे पहले 4 देश थे, 3 देश थे जो उन्हें चंद्रमा पे गए हैं, जैसे USA गया है, चाइना गया है, रशिया गया और चौथा इंडिया गया है, लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं गया था। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसको सेलिब्रेट करें। हमने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया कि कैसे सेलिब्रेट करें। जैसे हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, आँखों का मतलब वो भी सोशल काम कर रहे हैं, हमने यही सोचा कि कल का दिन हम डेडिकेट करेंगे चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए। आज हम जितने भी OPD हॉस्पिटल हैं, काफ़ी 200 से ऊपर अभी चली गई है, अभी चल ही रही है, तो हम सबको फ्री दे रहे हैं, हलवा सबको दिया, सबको खुशी के लिए हलवा बांट रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं। तो आगे के लिए हमने ये सोचा है कि आने वाले दिनों में भी हम चंद्रयान 3 के सेफ लैंडिंग के लिए हम जगह जगह कैंप लगाएंगे और डेडिकेट करेंगे चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग। नमस्कार, मैं कर्नल हरगोविंद सिंह, रिटायर्ड प्रेसिडेंट रोटरी क्लब उधमपुर। कल जो है पूरा जो नेशन था, पूरा देश जो है सुबह से ही जो है वो टकटकी लगा के रखा हुआ था कि पिछली बार हमारा जो 19 में हुआ था क्या लैंडिंग के लिए, उसमें जो है हम असफल रहे थे, पर इस बार हम सबको, देशवासियों को पूरी उम्मीद थी कि ये वाला जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। और बताए हुए टाइम पर जो साइंटिस्ट वगैरह ने जो कैलकुलेट किया होता, उसी टाइम पे एग्जैक्टली जो है चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर लैंड हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी हमारा हिंदुस्तान जो है वो 4 नेशंस के इलीट ग्रुप में आ गया है, और उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एक तो टेक्नोलॉजी जो है वहाँ की पता लगेगी किस तरह से, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, वो रेगुलर जो है मैं